तो सबसे पहले मैं जेम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्चुअली जेम है क्या? हमारा जो भी यहाँ पे लेक्चर होगा एकदम बेसिक लेवल से हम लोग चालू करेंगे, एकदम एज ए स्क्रैच से लेके, और फिर हम यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का पार्ट एक एक करके बताएंगे। ये टोटल ट्रेनिंग हमारा 5 डेज का होगा, जैसे कि आई 19 है और ये हमारा टोटल 5 दिन पे जाके खत्म होंगी। ये हमारा जेम का 204 नंबर बैच है, जो अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली 203 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जेम के बारे में बस हम जानते हैं। जेम का फुल फॉर्म, जैसे कि अपने को पता चल रहा है यहाँ पे, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट, मतलब ये एक ऑनलाइन मार्केट है, बट ये ओनली फॉर गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। ऐसा क्यों बताया जा रहा है इसे गवर्नमेंट के लिए है? इसलिए कि यहाँ पे जो खरीदने का पार्ट है, मतलब बायर, जो भी यहाँ पे कोई भी चीज परचेज होगा खरीद सकता है, सिर्फ बायर खरीद सकता है। सेल कर सकते हैं आप, पर आप यहाँ से कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ सेलर का ऑप्शन मिलेगा, बायर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए इसका नाम गवर्नमेंट ई मार्केट है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है वही लोग यहाँ पे कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, वो यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर होंगे, बायर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही होगा। सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है सर्विसेज। प्रोडक्ट मतलब गुड्स, कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि एसी हो सकता है, मास्क हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकते हैं, बेडशीट्स हो सकते हैं, आपके घर के कोई भी सामान, या आप जो भी यूज में आता है गवर्नमेंट को लगने वाला, जो भी चीज गवर्नमेंट को लगती है, वो कोई भी प्रोडक्ट यदि आपको सेल करना है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये है प्रोडक्ट का पार्ट। और दूसरा है सर्विसेज, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है। सर्विस प्रोवाइड मतलब मैन पावर सप्लाई करना, AMC है ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहता है, या कोई चीज के रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग रहता है, ऐसे वन टाइम भी हो सकता है। तो ये सब चीजें, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, ये जो भी चीजें हैं सर्विसेज का पार्ट है, ये आपको सर्विसेज में मिलेगा। या गाड़ी हायरिंग है, कोई भी व्हीकल वगैरह है उसको हायर करना है, तो ये भी आपका सब सर्विस के पार्ट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में हमारा रहता है, एक प्रोडक्ट और सर्विस। तो है क्या नहीं यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है वर्क, वर्क नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, स्कूल बिल्डिंग बांधना है, रोड बनाना है, कोई भी चीज जो वर्क में आता है, पेंटिंग वर्क है, तो ये जो वर्क है, वर्क यहाँ पे नहीं है। वर्क ई प्रोक्योरमेंट की जो पहले वेबसाइट थे वहीं पर आपको वर्क मिलेगा, यहाँ पे वर्क का टेंडर या वर्क आपका कोई भी काम नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेस होंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो रहेंगे उसके कैसे रहेंगे? प्रोडक्ट्स देखो, यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट खरीदेगा, जो भी डिपार्टमेंट है वो जो परचेज करेंगे, उनके पास परचेज करने के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि एक है डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज दैट मींस कैसा? यदि हम लोग समझते हैं डायरेक्ट परचेज को, हम लोग यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं डायरेक्ट परचेज मतलब क्या। कोई भी ई कॉमर्स जो वेबसाइट है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो वेबसाइट है, इससे हम लोग डायरेक्ट परचेज को इजिली समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बायर का रोल प्ले किया है। हम यहाँ से कभी ना कभी कोई ना कोई सामान परचेज किया ही किया है। तो जिस तरीके से हम परचेज करते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो हम लोग डायरेक्ट परचेज ही करते हैं। जैसे मुझे यहाँ से टाइड या फिर जो भी बस ये मैगी का पैक लेना है, तो हम लोगों को यहाँ पे मैगी मिल गया और हम इसको एड टू कार्ट करके, बाय नाउ करके हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो जो भी इसको बेच रहा है, सबसे कम प्राइस में जो बेच रहा है, उसको ये ऑर्डर चला जाएगा। तो ये जो परचेज का सिस्टम है, मतलब डायरेक्ट परचेज, तो इसी को हम लोग यहाँ पे जेम पे भी सेम रूल्स है, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट परचेज का ऑप्शंस मिलता है, बट जेम पे कुछ नॉर्म्स है। यहाँ पर भी एक है, जैसे कि और एक चीज देखिए, यहाँ पे जो ये अमेजन में जो बेच रहे, ये जो सेल हो रहा है, 168 MRP है इसका और 141 इसका प्राइस है। तभी किसको जा ऑर्डर किसको जाएगा? ऑर्डर जो सबसे कम रेट में बेच रहा है उनको ये ऑर्डर जा रहा है। ऐसा नहीं कि 160 ये कोई एक ही आदमी बेच रहा है, हो सकता है ये बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं। देखो यहाँ पे टोटल और 7 लोग बेच रहे हैं यही वाला प्रोडक्ट,
यदि आप देखेंगे अमेजन पे तो ये और भी 7 लोग बेच रहे हैं, पर उनका रेट क्या है, ज्यादा है। देखिए कोई 399 में बेच रहा है, कोई 167 बेच रहा है, तो यहाँ पे रेट बाकी लोगों का ज्यादा है। तो ऑर्डर किसको जाएगा, जो सबसे कम रेट में बेचेगा। सेम कंडीशन जेम पे है। हम लोग जैसे कि ले लेते हैं एक एलईडी लाइट और यहाँ पे सर्च कर देते हैं एलईडी लाइट। यहाँ पे इसका कैटेगरी मुझे चूज करना पड़ता है, जैसे एलईडी लाइट बोल के सर्च कर देंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। अभी एलईडी लाइट में आपको क्या चाहिए, एलईडी मुझे स्ट्रीट लाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, ये कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट है वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखना चालू हो गया। अब जो भी प्रोडक्ट है आप इसको यदि बायर चाहे तो वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है, जो 3710 रुपया दिखा रहा है। जैसे वो बाय करेगा, ये जो सबसे कम रेट में प्रोडक्ट दे रहा है उसको ये ऑर्डर ठीक है। तो कौन ये प्रोडक्ट भी और बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, कौन कौन है यहाँ पे, तो व्यू यहाँ पर भी व्यू सेलर डिटेल्स में मिलेगा। यहाँ पे देखिए कोई 3735 में बेच रहा है, कोई ये भी 3735 में बेच रहा है, ये 3710 में बेच रहा है ना। तो सबसे अब ये ऑर्डर किसको जाएगा, जो सबसे कम रेट में बेच रहा है। इन दोनों को ऑर्डर इसका कभी नहीं जाएगा, ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 3710 में जो बेच रहा है उनको ही जाएगा, ये दोनों को ऑर्डर नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग हाई रेट में अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ऑर्डर बायर जब भी परचेज करेगा 3710 में जो बेच रहा है उसको ही ऑर्डर प्लेस होगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी अमेजन पे भी देखा। बट यहाँ पे कैसा था अमेजन पे, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है डायरेक्ट परचेज का। आप एक 141 रुपीस का भी सामान परचेज कर सकते हो और एक लाख का भी कर सकते हो, 10 लाख का भी सामान आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। बट यहाँ पे गवर्नमेंट्स को कुछ नॉर्म्स का फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि डायरेक्ट परचेज जिसकी लिमिट है ओनली 25,000, 25,000 तक कोई भी प्रोडक्ट वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है, 25,000 अमाउंट तक। हम यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में नहीं बात कर रहे, जैसे कि 3710 रुपए का, तो ऐसे ये 6 प्रोडक्ट परचेज कर सकता है डायरेक्ट के थ्रू से, यही वाला का 6 क्वांटिटी तक वो परचेज कर सकता है। अमाउंट 25,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए सिंगल ऑर्डर्स में, इसी को हम लोग डायरेक्ट परचेज। यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं होता, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, बायर को जो भी प्रोडक्ट पसंद आया 25,000 के अंदर वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है। सेम लॉजिक सर्विसेज में भी है, यदि आप सर्विसेज में देखेंगे सेम आपको सर्विसेज में मिलेगा, जो सबसे कम रेट में देगा अपना सर्विसेज उसको वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और उसके लिए भी बायर को कुछ करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, जिसकी लिमिट ओनली 25,000 है। बोलिए कोई डाउट है यहां तक, मैं किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट परचेज करने का तरीका है क्या, वो है L1। L1 आप लोगों ने, काफी लोगों, जो लोग ऑलरेडी जेम पे थोड़े बहुत काम करते भी हैं उनको L1 के बारे में पता ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमांड में है आज के डेट में वो है L1 परचेस। L1 परचेस के नॉर्म्स क्या है, L1 परचेस की लिमिट, ये भी डायरेक्ट परचेस का ही पार्ट आता है, मतलब यहाँ पर भी डायरेक्ट ही प्लेस हो जाता है किसी को भी ऑर्डर, इसके लिए बायर को कहीं पर अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, बायर को कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो वो परचेज कर सकता है, और लिमिट है 5 लाख, 5 लाख रुपीस तक वो परचेस कर सकता है, बट कुछ क्राइटेरिया के साथ। वो क्राइटेरिया क्या है, उसको कंपेयर करना पड़ता है 3 अलग अलग प्रोडक्ट के साथ और 3 अलग अलग ब्रांड के साथ, 3 अलग अलग सेलर और 3 अलग अलग ब्रांड के साथ कंपेयर करना पड़ता है। उस कंपैरिजन में जो सबसे बेस्ट प्राइस देगा उसको ही वो ऑर्डर जाएगा, इसी को हम बोलते हैं L1 परचेस, जिसकी लिमिट है 5 लाख, 5 लाख रुपया तक वो परचेज कर सकता है, ये डायरेक्ट परचेज का ही एक पार्ट है। तीसरा परचेज करने का तरीका है बीड, जैसे कि टेंडर बोलते हैं, जैसे आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा बीड, जहां पे हम लोग इसको टेंडर बोलते हैं, टेंडर्स बोलते हैं। तो टेंडर्स यहाँ पे अलग अलग टाइप में यहाँ पे टेंडर्स अवेलेबल है। यदि आप लोग ई प्रोक्योरमेंट में यदि किसी ने टेंडर भरा होगा CPP या कोई भी अपने स्टेट गवर्नमेंट के साइड पे, यहाँ पे टेंडर्स तरीके से नहीं था जेम की का। मैं ई प्रोक्योरमेंट का वेबसाइट खोल रहा हूँ, यहाँ पे यदि आप टेंडर देखेंगे तो सभी टेंडर के जो प्रोसीजर है वो एक ही जैसा है,
कोई भी टेंडर्स ले लीजिए, उसके प्रोसीजर एक ही जैसा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेंडर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे सिर्फ टेंडर से ही परचेज होता है, बट जेम पे ऐसा नहीं है। जेम पे टेंडर्स अलग अलग है। प्रोडक्ट यहाँ पे जो टेंडर आएंगे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के टेंडर आएंगे, यहाँ पे सिंगल सर्विसेज के टेंडर आएंगे, यहाँ पे बंच बिड मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट। जैसे मुझे पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, या पेन में ही दो अलग अलग चाहिए, 0.75 mm का चाहिए और 0.7 mm का चाहिए। जब एक से ज्यादा कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का बायर को रिक्वायरमेंट रहेगा और उसको वो टेंडर के थ्रू से परचेस करना होगा, तो उसको हम लोग बंच बिड बोलेंगे। सेम सर्विसेज में एक से ज्यादा चाहिए, मान लीजिए इसको लेबर चाहिए, मजदूर भी लेबर भी चाहिए और स्वीपर भी चाहिए, तो वो बंच बिड में आएगा। बीड टू आरए, कोई भी टेंडर जब बीड से ऑक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं, हम आपको आगे रिवर्स ऑक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे बी है बीड और ये टेंडर देखो आर हो गया, रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे टेंडर, जो टेंडर बीड से ऑक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपको यहाँ दिखेगा। और इसके बाद है कस्टम बीड। कस्टम बीड मतलब अभी समझिए, कस्टम बीड हम किसको बोलेंगे, कस्टम बीड दैट मीन्स देखो अभी गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कैसा है, जो कोई भी चीज उसको परचेज करना है जेम से, यदि कोई भी चीज उसको परचेज करना है कहीं से भी, तो वो बायर को रूल है कि वो जेम से ही परचेज करना पड़ेगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट जेम पे मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो सभी प्रोडक्ट जेम पे अवेलेबल नहीं हो सकता। जितने भी प्रोडक्ट हैं सब आज नहीं, आज से 5 साल के बाद या 10 साल या 20 साल के बाद भी जेम पे हर एक प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी पूरे प्रोडक्ट को कवर नहीं कर सकता। ऐसे कंडीशंस में आपको परचेज, बट क्या गवर्नमेंट के नॉर्म से है कि आपको कोई भी चीज परचेज जो करना है वो जेम से ही करना है। तो इस तरीके से जब जेम के मार्केट में, मतलब जेम का जो मार्केट है उस मार्केट में यदि कोई प्रोडक्ट ना रहे और वो बायर को रिक्वायरमेंट है, जैसे लो सल्फर मैरीन गैस ऑयल है, ये जेम के मार्केट में नहीं है, है ना। जब ये मार्केट में प्रोडक्ट जेम के मार्केट में नहीं है और यही वाला चीज बायर को परचेस करना है, तो वो फिर कैसे परचेस करेगा, तो उसके लिए वहां पे कस्टम बीड का ऑप्शन दिया गया हुआ। और एक बीड है बीओक्यू बीड, जहां पे क्या होता है बहुत सारे चीज एक साथ जब परचेस करना होता है तो वो बीओक्यू बीड बना सकते हैं, या तो बीओक्यू बीड बना ले या तो कस्टम बीड बना ले, दोनों ऑप्शंस उनको दिया हुआ है। पर इसके नॉर्म्स क्या है, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होना चाहिए। पर फिलहाल जेम पे ऐसा हर चीज होता नहीं है। जैसे कि देखो डेढ़ टन स्प्लिट एसी क्या जेम पे नहीं है, देखते हैं स्प्लिट एयर कंडीशन है कि नहीं जेम पे। ये प्रोडक्ट जेम पे अवेलेबल है फिर भी इसको कस्टम बीड बनाया गया है। है ना, 1.5 टन का भी जब जिम के मार्केट में है। अच्छा इसका कैटेगरी अन अवेलेबल हो गया है। हाँ एसी का कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था मार्केट में, एसी का कैटेगरी में चेंजेस हुए हैं कुछ, तो शायद ही उसके वजह से निकला है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि आइटम जिम मार्केट में होने के बाद भी आपको ये चीजें कस्टम बिड में मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर वो नॉर्म्स में नहीं बैठता है। फिर भी बायर निकाल देते हैं, उसकी वजह अलग है, लोग सेटिंग करते हैं बायर के साथ और उसके वजह से निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो हम लोग आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। और एक होता है बीओक्यूबिड भी सेम है, मार्केट में यदि कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उस प्रोडक्ट को बीओक्यूबिड में निकलता है, तो उसको हम लोग बीओक्यूबिड भी बोलते हैं। और जितने भी मैंने आपको टेंडर बोले सबके भरने के प्रोसेस अलग अलग है। ई प्रोक्योरमेंट जैसा नहीं है कि एक टेंडर बता दिया कि आप हर एक टेंडर भर लोगे, हमको यहाँ पे सभी टाइप के टेंडर आपको स्टडी करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कौन सा बीड है ये, और फिर उसको भरने के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही आपको भरना पड़ेगा। तो ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे सभी। तो ये पूरा टेंडर है। और एक तरीके से परचेज कर सकता है, उसको बोलते हैं परचेज एक्विजिशन, ये भी डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है और इसकी लिमिट है 5 लाख। तो इतने तरीके से बायर यहाँ पे परचेज कर सकता है। हिमांशु सर बोलिए, हिमांशु सर
अनम्यूट कीजिए प्लीज और बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि सारे टेंडर बिड से आरए में कन्वर्ट होते हैं? नहीं, डिपेंड, ये टेंडर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है। जब टेंडर में नॉर्म्स रहेगा कि आरए में कन्वर्ट होगा तो ये आरए में कन्वर्ट होगा, यदि टेंडर में नहीं होगा आरए में कन्वर्ट तो फिर वो नहीं होगा। मैं आपको जब हमारा बीड का लेक्चर चलेगा ना तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल्स में बताएंगे, आपको पता चलेगा जो टेंडर कन्वर्ट होने वाला है नहीं होने वाला है। ठीक है सर, ओके। अब पीसी बोल के एक कनेक्ट हो गए सर, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए पीसी बोल के। जी मैं दीपक हूँ यहाँ पीसी वाले सिस्टम से, दो सिस्टम मेरे भाई चल रहे हैं सर। हम दो सिस्टम आलो नहीं करते, आपको एक सिस्टम से एग्जिट होना पड़ेगा। बाई चांस मैं साथ साथ ही हूँ, लेकिन एक का बाई चांस मेरा स्पीकर खराब हो गया लैपटॉप का, इस वजह से मुझे फोन वाले पे छोड़ रहा है। तो एक ही सिस्टम से हम आलो कर सकते हैं सर, दूसरा से कर सकता हूँ इसको, अदरवाइज आज नहीं। आज आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं सर, लेकिन आप दो डिवाइस आप किसी भी हाल में यहाँ पे। चलिए मैं पीसी वाले से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, दीपक मेरा क्वेश्चन ये जी, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज L1 के अंदर जब बायर कंपेयर करता है तीन सेलर्स में, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब कैसे कंपेयर करते हैं, वो इंटरनल है या कैसे पता चलता है? बोली बोली हेलो सर, यहाँ पर जब L1 वाली कैटेगरी के अंदर बायर तीन सेलर्स का कंपेयर करता है तीन लोगों से प्राइसेस लेके, वो उनका इंटरनल प्रोसेस है या हम उसको देख सकते हैं, क्या सिस्टम रहता है? नहीं देखो सर, हम यहाँ पे बायर का पार्ट नहीं देख सकते, बायर का पार्ट देखने के लिए बायर का आईडी पासवर्ड लगेगा। ठीक है जी, जो आपको सेलर में जो नॉर्म्स है वो सेलर, L1 करने का काम किसका है? सेलर का। ठीक है, सॉरी बायर का, तो वो बायर का नॉर्म्स है। जो सेलर के पार्ट है वो बायर नहीं देख सकता, जो सेलर ही कर पाएगा, बायर का जो चीजें हैं वो बायर ही कर पाएगा, सेलर नहीं कर पाएगा। सेकंड थिंग इज, अगर कोई प्रोडक्ट अभी जेम पे नहीं है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको जेम पे ऐड करने के लिए? नहीं, आप नहीं कर सकते सर, जो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है वो आपके पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, यदि चाहे कोई तो बायर इसके लिए रिक्वेस्ट दे सकता है, बायर रिक्वेस्ट दे सकता है, पर बायर के रिक्वेस्ट देने से मार्केट में आ ही जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं सर, बायर को वो रिक्वेस्ट कहाँ देनी पड़ेगी? एक्चुअली किसी बायर का ही है, वो जानना चाहते हैं, कोई ऑफिसर है कि हम इसको कैसे वो कर सकते हैं। मैं आपको बायर के क्लास में रिक्वेस्ट देने का प्रोसेस तो बता दूंगा, पर वो इजिली मिलेगा नहीं। जब मल्टीपल बहुत सारे बायर का रिक्वेस्ट आएगा तब वो कैटेगरी मार्केट में आ सकता है। ओके, तो उनको रिक्वेस्ट देनी क्या होती है, बस आप मुझे बता देंगे तो हाँ ये मैं बता दूंगा। यस तो वो मैं आपसे पर्सनली बाद में पूछ लूं कभी या अभी? नहीं 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 नहीं, हम ये क्लास में ही कवर करूंगा। जो बायर का पार्ट है वो बायर के लेक्चर में कवर होगा, जो सेलर का पार्ट है वो सेलर के लेक्चर में कवर होगा। ओके ठीक है, वो बायर का पार्ट है तो बायर के लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। राइट, थैंक यू। बोलिए सर, और कुछ क्वेरीज? नहीं जी बस, थैंक यू। हाँ हिमांशु सर बोलिए। सर ये कैटेगरी अनअवेलेबल हो गई तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई हमें कैटेगरी अवेलेबल हो गई तो उसके जगह पे नया कोई कैटेगरी आ जाता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एसी का ही एक कैटेगरी दिखा रहा था, तो एसी का कोई नया कैटेगरी बनाया होगा इसने, या फिर में आप एसी का कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है सर, कैटेगरी ऐसा चला बिल्कुल भी चला नहीं जाता, कोई ना कोई कैटेगरी आपको बाद में अवेलेबल हो जाता है, कुछ नाम से आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे अभी ब्राउज ऑल कैटेगरी, यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एसी के इतने सारे आपको है, एक हॉल डन कोल्ड एयर के सी, शायद ये भी निकल गया आई थिंक। एसी के बहुत सारे कैटेगरी में चेंजेस हुए हैं, हाँ ये कैटेगरी भी निकल गया। अभी एयर कंडीशनर एनर्जी सेवर ये वाला है, ये कैटेगरी अवेलेबल है फिलहाल अभी। तो सर चेंज क्यों करते हैं? ये रिक्वेस्ट पे, जब उनपे बहुत सारी चीजें लोग ऐसे ही डाल देते हैं तो उसमें चेंज कर देते हैं जिम। तो देखो ये एक एयर कंडीशनर का एसी है, ये ट्रेनिंग का है एयर कंड, ये ISI ये तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है, इंक्लूडिंग ग्रीन एसी, शायद ये वाला चालू है आई थिंक,
नहीं ये भी कैटेगरी बंद किया, ये जस्ट कैटेगरी अभी आया था डक्टेबल, ये तो हमारे नॉर्मल कैटेगरीज में नहीं आता। हाँ अभी आपके लिए खाली एक ही कैटेगरी बचता है, एयर कंडीशनर एनर्जी सेवर, यही एक कैटेगरी है, बाकी अभी कोई कैटेगरी जेएससी का अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे नया कैटेगरीज आ जाते हैं। बोलिए सर और कुछ पूछना है? तो हम लोगों ने यहाँ पे परचेज का टाइप देखा, कितने टाइप से बायर परचेज करेगा, ये हम लोगों ने बायर की तरफ से देखा। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग और भी समझते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स। यदि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट समझ में आ गया तो जेम समझना आपके लिए बहुत हो जाएगा। प्रोडक्ट कोई भी चीज का आपको प्रोडक्ट आपको देख रहा है तो आप यहाँ से पीसी बोल के सर, सर आपकी आवाज मुझे रिपीट आ रही है। हाँ पूजा डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलिए। कुछ पूछ रहे थे पूजा डिस्ट्रीब्यूटर्स? ठीक है चलिए। तो फिर यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एसी का देखा, ये वोल्टास कंपनी का एसीज है, एसी है, और यदि हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे मुझे उसका प्रोडक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा। देखो यहाँ वोल्टास का ये एसी है 48 मंथ वारंटी के साथ, ऐसा उसने लिखा है। कौन से ब्रांड का है तो वोल्टास का है, ये इसका मॉडल नंबर है, ये इसका ऑफर प्राइस है 3000 में खाली दे रहा है। इसके एमआरपी है 65000 एक पीस का और इसको कोई 3000 में दे रहा है, और उसके पास कितना स्टॉक है 1500 स्टॉक है, और मिनिमम वो कम से कम 1500 ही बेचेगा, मतलब 1500 उसको आपको लेना पड़ेगा तो ही आपको 3000 में मिलेगा। यहाँ पे इसका कंडीशन है और यहाँ पे 48 मंथ के साथ सर्टिफिकेशन में ISO है और इसका ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, वेट कितना है, ओवरऑल डायमेंशन क्या है, ये कैटलॉग का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जब कोई भी कैटलॉग बनाओगे तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे कैटलॉग बनाना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे सेलर डिटेल्स में तो जो भी लोग जहां पर भी कोई भी रेट में बेच रहे हैं वो आपको पता चल जाता है। जैसे 28000 में कोई बेच रहा है पर वो एमपी में और तेलंगाना में बेच रहा है, इसकी क्वांटिटी 50 है और मिनिमम एक क्वांटिटी वो दे सकता है, उसके पास 50 का स्टॉक है ना। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल्स अवेलेबल हो जाता है, सिर्फ नाम नहीं आता पर किसका क्या प्राइस है ये जरूर आपको यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल्स आ जाता है। तो अपने को कभी भी जब भी कोई प्रोडक्ट के मतलब अपलोड करना है तो इस प्रोडक्ट के बारे में अपने को सभी कुछ जानना पड़ेगा, जैसे कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे ये किस कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट आएगा पहला है ना, दूसरा ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है, मॉडल नंबर क्या है इसका, ऑफर प्राइस क्या है ना, एमआरपी इसका क्या है, और इसके स्पेसिफिकेशन कैटलॉग के जो स्पेसिफिकेशन है, वारंटी कितने में आता है, एच पर जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये सभी चीजें आपको जानना पड़ेगा तभी आप कोई प्रोडक्ट अपलोड कर पाएंगे। प्रोडक्ट सिर्फ आपको नया प्रोडक्ट के बारे में यहाँ नहीं सोचना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे है तो हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पे तीन तरीका है, एक है क्लोन, दूसरा है न्यू और तीसरा है पेयर। ऐसे हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। सर्विसेज में ऐसा नहीं है, सर्विसेज में आपको कोई भी सर्विसेज डालना है तो सिंगल एक ही तरीका है, वो है सर्विसेज को नया डाल देना, ये सर्विसेज में आता है। ये ऐसे आपको कैटलॉग्स के बारे में बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे खोले इसको हम लोग कैटलॉग बोलते हैं, तो आप हमेशा भी प्रोडक्ट का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा और जो पिक्चर्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे कैटलॉग बोल के जानेंगे। आगे लॉग इन होंगे तो आपको ये डिटेल्स पता चलेगा, जेम पे हम लोग इसको कैटलॉग के नाम से जानते हैं।
पूजा डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलिए ना मैडम। सर ये अपना ये स्क्रीन रिकॉर्डर का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं क्या सर? क्या बोले? स्क्रीन रिकॉर्डर का फैसिलिटी? क्या रिकॉर्डर का? स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं, यहाँ पे आपको जो भी वीडियो है हमारे भगत टेक्नो के ऐप पे मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम ही रिकॉर्ड करेंगे आपको, आगे आपको ये सभी लेक्चर्स के वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। आमिर सर। जी सर, जब हम डायरेक्ट परचेज में ये करते हैं ना, प्रोडक्ट को रिसेल करते हैं, हाँ, तो फिर प्राइस क्यों उसी बायर का आ जाता है जिसका सबसे कम? जो सबसे कम है एज ए नॉर्म्स तो ही बोलता है ना, मैंने अभी इसीलिए अमेज़न पे आपको दिखाया। ऑर्डर किसको जाता है? जो सबसे कम देगा। तो वो तो अलग स्टेट में होगा, दूसरी स्टेट जहां में पे होगा? उस बायर के अकॉर्डिंगली, उस बायर के मतलब वो बायर के पास जो भी प्रोडक्ट सबसे कम रेट में देगा उसको आपको ऑर्डर चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए, मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, आपने मान लो एक अमेज़न से ऑर्डर किया, ठीक है, अभी आप लोग अमेज़न को ही समझो, यहाँ पे आप बराबर जानते हैं इस प्रोडक्ट को, बराबर है, आपको कोई भी चीज चाहिए, यहाँ पे मुझे वो वॉचेस चाहिए और मैं इसको ले लेता हूँ, वॉचेस के सेक्शन पे गया मैंने, मुझे ये वॉचेस मिल गए, मुझे ये परचेज करना है। मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है, मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, पुणे से, और ये प्रोडक्ट मुझे कोई 23995 में दे रहा है, पर ये है दिल्ली का, यही वाला प्रोडक्ट कोई मुझे 25,000 में दे रहा है और वह है पुणे का, तो आप क्या 25,000 में इसको परचेज करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे तब? ये तो दिल्ली वाला पार्टी है, फिर आप क्यों 25,000 में नहीं खरीद रहे हो? महंगा हो रहा है ना। सेम जब आप इसके बारे में सोच सकते हो तो ये तो गवर्नमेंट है, ये तो पूरे नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, तो ये भी कहीं का भी हो सेलर, जो सबसे कम रेट में देगा उसको ही वो ऑर्डर देगा कि नहीं? बराबर है ना? बराबर। और बोलिए, किसी को कुछ डाउट्स है? कृष्णा सर, अभी आपने जैसे कि बोला कि उसको सिंस वो दिल्ली में है, दिल्ली वाला पार्टी बेच रहा है, मगर आप पुणे वाले खरीद रहे हो, आप पुणे वाले से नहीं ले रहे हो क्योंकि वो महंगे में दे रहा है। हाँ। तो अगर समझो एग्जांपल के तौर पे मेरी बैटरी का बिजनेस है, हाँ, तो सिंस वो बहुत हैवी होते हैं तो ट्रांसपोर्ट उसका चार्जेस बहुत लगता है, बराबर, तो वो ट्रांसपोर्ट का हेडेक वो मेरा ही होगा ना, मतलब सब कुछ आपका, सब कुछ इंक्लूडिंग करके देना है। ओके, सो 10 रुपए का चीज अगर मैं 8 रुपए में बेच रहा हूँ तो ट्रांसपोर्ट उसमें इंक्लूडिंग ही होगा सर। ये अमेज़न को ही समझ लो, जब अमेज़न से आप कोई चीज परचेज करते हो तो क्या ट्रांसपोर्ट आप अलग से देते हो उनको? नहीं देते हो ना, तो वहां पे जैसे सब कुछ इंक्लूड होके आता है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, यदि किसी में टेस्टिंग वगैरह की जरूरत है तो वो टेस्टिंग भी करके जाते हैं, जैसे एसी में इंस्टॉलेशन वगैरह फ्री रहता है तो इंस्टॉलेशन वगैरह वो लोग करके जाते हैं, है ना? सेम चीज यहाँ पर भी है जेम पे। और कुछ डाउट्स है किसी को सर? तो हम लोगों ने सिर्फ एक जेम को समझा, अभी है कैसा चीज ये, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोग चीजें को बेच सकते हैं, डायरेक्ट परचेस के थ्रू से बेच सकते हैं, L1 के थ्रू से बेच सकते हैं, और टेंडर निकलता है तो अपने को पता चलता है कि टेंडर निकला है और अपने को ये भरना है, उसके लिए एक टाइम रहता है और उस टाइम के बाद हम लोग ये इसको मतलब एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पे हम लोग टेंडर को भरते हैं और बाद में टेंडर ये ओपन होता है, टेंडर ओपन होता है उस टाइम पे जो सबसे कम रेट में देता है उसको ये टेंडर मिल जाता है। यहां पर भी रेट का ही है, ठीक है। वेजन सर, आपको किसी को भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग हमारे पास ही रहेगा, इस ऐप का वीडियो आपको जरूर मिलेगा भगत टेक्नो के ऐप पे,
भगत टेक्नो का ऐप है, वहां पे हम लोग ये वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करके वहां पे अपलोड कर देंगे और वहां से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। आप वीडियो आगे भी डाउनलोड नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते। चलिए जीएम के रिगार्डिंग बेसिक क्वेरीज में किसी को कुछ पूछना है? सर लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी स्टार्ट करेंगे? नहीं अभी लेट है सर, हम एक एक पार्ट जो भी चीजें हैं हमने आपको पहले ही बताया था कि लेक्चर यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंगली चलेगा, हम यहाँ पे एक एक पार्ट कवर करते जाएंगे। अभी तक हमने सिलेबस भी नहीं बताया, इसके बाद हम अपना सिलेबस बताऊंगा क्या क्या हम लोग कवर करेंगे और फिर हम लोग बेसिक प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से चालू करेंगे। तो फिर हम लोग समझते हैं रेजी, हम लोग यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या कवर करेंगे, टोटल यहाँ पे 23 लोग हैं पार्टिसिपेशन, तो सब रजिस्ट्रेशन में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस में सबसे ज्यादा सबसे पहले हम लोग जो पार्ट कवर करेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एज ए सेलर, हम लोग पहले सेलर का सिलेबस कवर करते हैं फिर हम आपको बायर का सिलेबस बताएंगे। साइन अप एज ए सेलर, हम यहाँ पे सेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दो पार्ट में हो सकता है, एज ए सेलर का पेन बेस्ड और आधार बेस्ड। तो हम दोनों का डिफरेंस क्या है, कब दोनों क्या करना है, ये सभी चीजें हम लोग कवर करेंगे। साथ में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है, और कौन कौन सी चीजें नॉन मैंडेटरी है, वो भी सभी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है, तो आप प्रोफाइल को यहाँ पे कैसे अपडेट करेंगे, हम यहाँ पे आपको प्रोफाइल अपडेट करना बताएंगे। प्रोफाइल अपडेट कैसे करते हैं, आपके प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कैसे करना है। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉजन मनी, जो 5000, 10000 और 25000 तीन अलग अलग है, डिपेंड अपॉन ITR। यदि आपका टर्नओवर 1 CR से कम है तो 5000, 5 CR तक है तो 10000 और 5 CR के ऊपर है तो 25000। तो यहाँ पे आपको एक कॉजन मनी एज ए डिपॉजिट आपको भरना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। तो ये रिफंडेबल है, जब आप अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे तो आपको ये पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो ये एक रिफंडेबल अमाउंट है कॉजन मनी। तो कॉजन मनी के बारे में बताएंगे, वहां पे डिपॉजिट करने का प्रोसेस बताएंगे, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये होगा कॉजन मनी का। कॉजन मनी के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे सेकेंडरी यूजर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर, यहाँ पे ऐसे दो पार्ट है। तो सेकेंडरी यूजर क्या है और सेकेंडरी यूजर को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, या प्रोफाइल का आप आईडी पासवर्ड कैसे बदल सकते हो, मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हो, ईमेल आईडी कैसे बदल सकते हो, उसके बाद हम लोग वो पार्ट को कवर करेंगे। ये होने के बाद हम लोग आएंगे कैटलॉग में प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के कैटलॉग में तीन पार्ट रहेंगे, क्लोन, पेयरिंग और न्यू। तीनों पार्ट को हम लोग समझेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या है, करना कब है आपको, क्लोन कब करना है, पेयरिंग कब करना है और नया कब डालना है, और तीनों का प्रोसेस क्या है। उसके बाद आएंगे हम लोग रीसेलर पैनल। रीसेलर पैनल जैसे कि Q2 के खासतौर पे प्रोडक्ट जो होते हैं, यहाँ पे Q1, Q2 ऐसे प्रोडक्ट्स के कैटेगरी होता है, कैटेगरी के ऊपर कैटेगरी है। जैसे कि हम लोग ने LED स्ट्रीट लाइट देखा था, कोई भी कैटेगरी आप जैसे यहाँ पे सर्च कर देते हो, कैटेगरी के पास यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जनरली हम लोग Q2 की बात करते हैं, जैसे Q2 में लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप नोटबुक बोलते हैं कैटेगरी को, लैपटॉप नोटबुक डेस्कटॉप जो भी IT के प्रोडक्ट है, लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोजेक्टर ऐसे जो है Q2 में आते हैं। तो Q1 Q2 के बारे में बात करेंगे और Q2 के जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए रीसेलर पैनल मस्ट है। तो वहां पे आपको ऑथराइजेशन नंबर डालना पड़ता है, जब तक आप ऑथराइजेशन नंबर नहीं डालेंगे तब तक Q2 का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो यदि आपको ऑथराइजेशन नंबर मिलता है तो आप उसको डालेंगे कैसे और इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे रीसेलर पैनल में। यहाँ पे यदि कोई OEM है तो यहाँ पे प्रोडक्ट दो लोग बेचते हैं, एक रीसेलर और एक OEM। देखो यहाँ पे लोग रीसेलर बेच रहे हैं, यही प्रोडक्ट आपको कोई ना कोई OEM बेचते हुए नजर आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, OEM बेच रहा है, तो या तो रीसेलर या तो OEM, ऐसे दो लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो आप यदि आपका प्रोडक्ट आपके पास मैन्युफैक्चरर है, OEM मतलब मैन्युफैक्चरर, तो आप यदि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपने आप को यहाँ पे
OEM में रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट एज ए OEM कैसे बेचेंगे और आपके OEM के बेनिफिट क्या है, इसको बोलते हैं वेंडर असेसमेंट और OEM पैनल। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आएंगे हम लोग सर्विस, सर्विस के कैटलॉग में सर्विसेज कैसे ऐड करेंगे, जो भी सर्विसेज है अवेलेबल कैटेगरी में उसको ऐड कैसे करेंगे। बाद में टेंडर, बीड, बीड में हम लोग टेंडर पहचानने का तरीका, जो टेंडर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं टेंडर, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, टेंडर कैसे सर्च कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से टेंडर को सर्च करने का तरीका, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है एडवांस सर्च है, उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से टेंडर सर्च कर सकते हैं, तो सभी सर्च का प्रोसेस। फिर हम लोग एक टेंडर आपको पढ़ के बताएंगे, एक से दो टेंडर हम आपको पढ़ के बताएंगे, पूरा टेंडर में जो पीडीएफ फाइल है इसके पूरे मीनिंगफुल चीजें बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बताएंगे, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, जो भी टेंडर में डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स होता कैसे है, बनाते कैसे है, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो वो हम लोग आपको दूर करेंगे। साथ में ईएमडी क्या होता है, ईएमडी किस तरीके से क्या रहता है, पीवीजी क्या होता है, ये सभी चीजें भरना पड़ेगा आपको, कब नहीं भरना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, एमएसआई परचेज प्रेफरेंस, रिजर्व्ड, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ में एटीसी, इसको बोलते हैं एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, ये भी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये बीड का हो गया, और बाद में सभी टाइप के बीड, जितने भी टाइप के बीड्स हैं इसको फिल कैसे करते हैं, भरते कैसे हैं, वो भी हम लोग इसी बिग पार्ट में कवर करेंगे। तो ये रहेगा हमारा पूरा बीड और टेंडर का प्रोसेस। और इसके बाद टेंडर का रिजल्ट, टेंडर स्टेटस, जब आप टेंडर भर लेंगे या कोई टेंडर आपने भरा नहीं है तो उस टेंडर के बारे में स्टेटस आपको कैसा पता चलेगा, टेंडर किसको मिला किसको नहीं मिला, सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बीड, बीड में बीड स्टेटस वगैरह हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे परचेस पे, डायरेक्ट परचेस, यहाँ पे ऑर्डर्स आता है, जब कोई प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट परचेस मिलेगा या बीड से ऑर्डर मिलेंगे तो ऑर्डर्स का बिल या इनवॉइस कैसे जनरेट करोगे और वो इनवॉइस को अपलोड करके ये डिलीवरी चलान वगैरह कैसे अपलोड करोगे और जेम का इनवॉइस कैसे जनरेट करोगे, ये हमारा पूरा सेलर का पार्ट रहेगा। और एक रहेगा इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है और इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सेलर के पार्ट में हमारा ये पूरा पार्ट कवर होगा। बोलिए, किसी को इसके रिगार्डिंग डिफरेंट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट, कैन आई सेल प्रोडक्ट विथ और विदाउट ऑथराइजेशन कंपनी से, डिपेंड पुनीत सर, डिपेंड, आपको कुछ प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं कुछ प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। ठीक है, पेमेंट रिगार्डिंग डिस्कशन, पेमेंट के रिगार्डिंग बायर के हाथ में होता है सर, जनरली एज ए जेम के रूल्स है 45 डेज में आपको पेमेंट मिल जाता है, पर पेमेंट नहीं मिला तो ये नॉमिनल प्रोसेस है, जैसे कि एक लीगल प्रोसेस के थ्रू से ही आपको जाना पड़ेगा, बार बार फ्लॉप, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी में होता है, यदि कोई प्राइवेट कंपनी आपको पेमेंट नहीं दिया तो आप क्या करोगे, सेम चीजें यहाँ पर ही है। हाँ पुनीत सर बोलिए ना, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही, आ रही जी। मैं ये बोल रहा था कि अपने यहाँ पर जो पहले क्या होता था, डायरेक्ट अपन को ऑर्डर मिलता था। हाँ। मैं हॉस्पिटल में सप्लाई करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सीएचसी पीएचसी लेवल में, तो उनका क्या है कि पहले अपन कोटेशन दे देते थे तो सबसे वो प्राइस बीड होता था तो वो डायरेक्ट ऑर्डर करते थे। अभी क्या उनका सिस्टम हो गया है, आपको जेम के थ्रू से ही करना है। बराबर है, तो अपना जो जो कंपनी क्या अपन सब जो सप्लायर रीसेलर है, अपन डायरेक्ट कंपनी का अपना कुछ नहीं है, अपन थर्ड पार्टी से खरीदते थे और उनको सप्लाई कर देते थे। अभी जो जेम में है कि जो प्रोडक्ट वो लोग खरीद रहे परचेस कर रहे हैं तो कैटलॉग के लिए या फिर रीसेलिंग करने के लिए क्या मैंडेटरी क्या मेरे को कंपनी का ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट बनेगा? हाँ, ये यदि एज ए रूल बात करेंगे तो मैंडेटरी। और अगर मतलब वो अगर मैं मतलब कैटलॉग अपलोड करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होगा कि सिर्फ? सर डिपेंड, ये हम लोग जब सीखेंगे तो मैं आपको उसके चीजें बता दूंगा। ओके
कुछ चीजों में लगेगा, कुछ चीजों में नहीं लगेगा, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये सेलर का पार्ट है। हम लोग आते हैं बायर के पार्ट में। बायर में तीन पार्ट है, बायर, कंसाइनी और पेमेंट अथॉरिटी। तो हम यहाँ पे सिर्फ बायर का पार्ट कवर करेंगे। बायर में क्या क्या पार्ट कवर करेंगे? बायर में डायरेक्ट परचेज कैसे करना है, 25,000 तक कोई भी आइटम का परचेज कैसे करना है, L1 परचेज जिसकी लिमिट 5 लाख है, L1 कैसे करते हैं, कंपेयर करके आपको ऑर्डर कैसे मिलता है। जनरली हम यहाँ पे सिखाते हैं कि आपका ऑर्डर आपको ही कैसे मिले, ये डायरेक्ट परचेज में भी, L1 परचेज में भी, और बीड बनाने का तरीका, सभी तरह का बीड, नॉर्मल बीड, प्रोडक्ट का, सर्विसेज बीड, सिंगल का, बंच बीड, और बीड टू आर तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, कस्टम बीड और बीओक्यू बीड, ये सभी तरह का बीड बनाते कैसे, ये और बायर का रजिस्ट्रेशन, ये हमारा बायर में कवर होगा। तो ये मेरा पूरा सिलेबस है जो हम लोग आज अभी 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। बोलिए, कुछ डाउट्स है और सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। चलिए तो फिर हम लोग एक एक प्रोसेस करके चालू करते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन से चालू करते हैं और फिर हम लोग सिलेबस का एक एक पार्ट चालू करते रहेंगे।